मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन सिविक्स, चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग मीडियम। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड मीडियम। मीडिया रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स विच इज़ यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मीडिया का मतलब है वो टूल्स या वो साधन जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो वो कहलाता है आपका बेटा मीडिया। एवरीथिंग रेंजेस फ्रॉम अ स्टॉल एट अ लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। ठीक है, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम, अगर एक स्मॉल फेयर लगा है, ठीक है, तो उससे लेकर एक बड़ा प्रोग्राम जो टीवी में चल रहा है वो क्या कहलाएगा, मीडिया। ठीक है, मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम एज इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन द सोसाइटी। मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है मीडियम वर्ड की, जिसका मतलब है कि वो तरीके, वो अलग अलग तरीके जिसके थ्रू हम जो सोसाइटी है उसमें कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू एवरी इवनिंग न्यूज ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। ठीक है, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया का मतलब है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें हमारे एक नॉर्मल फ़ोन कॉल से लेके, ठीक है, टीवी पर जो प्रोग्राम चलते हैं, रेडियो पे या फिर न्यूज़पेपर पे, वो सभी हमारे किस में आते हैं, मीडिया में आते हैं। नेक्स्ट इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हम अपनी लाइफ मीडिया के बिना देखें। बट केबल टेलीविज़न एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ रिसेंट फिनोमिनम। दिस हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। आपने देखा होगा जो केबल है, टेलीविज़न है, साथ साथ इंटरनेट है, ये हमारे लिए क्या रिसेंट फिनोमिना है। इनको ये जो फिनोमिनाज है ये 20 ईयर्स से ही क्या चलते आ रहे हैं, मतलब अभी की जो 20 ईयर्स है उनमें ही इनका ज़्यादा यूज़ हुआ है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग। और जो टेक्नोलॉजी मतलब मास मीडिया के हम यूज़ करते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजी। न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है और जो रेडियो है, ये लाखों लोग, मिलियंस लोगों तक पहुँचता है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी वो थोड़ी सी क्या है, अलग है। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज प्रिंट मीडिया। और जो जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होती है हमारी प्रिंट मीडिया में आती हैं, एंड टीवी एंड रेडियो एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एंड साथ ही साथ जो टीवी और रेडियो है ये हमारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स है वो प्रिंट मीडिया। एज यू रीड फर्दर यू विल रीड दैट दिस नेमिंग इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दीज मीडिया यूज। और आप अगर आगे पढ़ोगे तो आप समझोगे कि ये टेक्नोलॉजीज़ का जो नाम है वो उनकी किस वजह से रखा गया है। द फॉलोइंग फोटोग्राफ विल गिव यू अ सेंस ऑफ वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज चेंज ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आप नीचे की आप जो पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को अगर आप देखोगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस इन ईयर्स में आए हैं। Changing technology or machines and making technology are more modern helps media to reach more people। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो मशीन्स चेंज हो रही है, ठीक है, और जो उसके तंग जो नई टेक्नोलॉजी बन रही है ये मॉडर्न है, इट हेल्प मीडिया टू रीच मोर नंबर ऑफ पीपल। इसके ऐसे जो इस मीडिया के इस ये मीडिया जो है वो हेल्प करता है लाखों लोगों तक पहुँचने में। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस दैट यू सी। इसके साथ ही आज ये नई ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसमें क्या हुआ, साउंड भी क्या है कि क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया है एंड साथ ही साथ पिक्चर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। लेकिन ये टेक्नोलॉजी डिजर्व करती है कि ये इससे ज़्यादा बेटर कर सके। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट अवर लाइफ। इसने हमारे जीने के तरीकों को भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल टूडे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक अवर लाइफ विदाउट टेलीविज़न। क्योंकि आपने देखा होगा आप सभी के घर में टेलीविज़न होगा, ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप एक दिन बिना टेलीविज़न के रहोगे तो आपको कैसे लगे। टेलीविज़न हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ अवर सेल्फ एज मेम्बर्स ऑफ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। और टेलीविज़न की मदद से ही हम एक लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड का मेम्बर बन पाए। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेज थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। टेलीविज़न की जो इमेजेस होती है वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है सैटेलाइट से और केबल से। दिस अलाउ अस टू
व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसी के थ्रू हम एंटरटेनमेंट चैनल्स हो गया, न्यूज़ हो गया, अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों की देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूनाइटेड स्टेट। आपने देखा होगा कि आपके घरों में आप लोग या फिर आपके छोटे भाई बहन जो होंगे वो कार्टून्स वगैरह देखते होंगे। तो ये जो ज़्यादातर जो कार्टून्स है ये कहाँ बनते थे, ये ज़्यादातर कहाँ बनते हैं, जापान में एंड यूनाइटेड स्टेट वहाँ बनते हैं। वी कैन सी नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू कैन सी इमेजेस ऑफ अ स्टॉर्म दैट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट। इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, जो चेन्नई या फिर दूर जो हमारे जो इलाके हैं वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी हम टीवी के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया एंड मनी। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सेट्स। इट हैज़ लाइट कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया में यूज़ होती हैं, ठीक है, इनका क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपने देखा होगा कि टीवी स्टूडियो में जो न्यूज़ रीडर बैठे होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, लाइट्स होती है, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होती है, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मनी क्या होता है बेटा, लगता है। इन अ न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली टू ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प आउट टू ब्रॉडकास्ट टूगेदर। दिस इंक्लूड थ्रू हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। ऑल्सो एज यू रेड अर्लियर द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड सो लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड इन ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। एज द रीडर मोस्ट टीवी चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर द पार्ट ऑफ बिग चैनल बिग बिजनेस हाउसेज। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जो अगर न्यूज़ देख नहीं एक न्यूज़ स्टूडियो में देखोगे आप तो वहाँ पे सिर्फ न्यूज़ रीडर को ही पे नहीं किया जाता बल्कि और लोगों को भी पे किया जाता है जो उनकी हेल्प करते हैं इस ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है। कोई कैमराज लेके खड़ा है तो कोई साउंड रिकॉर्डर्स लेके खड़ा है तो उन सभी चीज़ों को क्या उन्हीं सभी लोगों को पे किया जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मनी लगती है और साथ साथ जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो हर कोई न्यूज़ स्टूडियो वाला उस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो बड़े बड़े जो टीवी टेलीविज़न चैनल है या फिर न्यूज़पेपर हैं ये बड़े बड़े घरों बिजनेस हाउसेस की क्या हैं पार्ट है। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया का एक तरीका ये वो उनके उनके कुछ वेज ऐसे भी जिससे वो चाहते हैं कि मनी बने भी, मदद से स्पेंडिंग ना हो कुछ बने भी। वन वे इन वेज द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार, चॉकलेट्स, क्लोथ, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा। और इसका दूसरा इसका वो तरीका जिसके थ्रू ये क्या करता है पैसा कमाता है वो है एडवर्टाइजिंग। इसमें कार्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, इन सब की क्या करता है एडवर्टाइजिंग करता है। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो, वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, द सेम एडवर्टाइजमेंट शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर एंड सो यू often watching the same image over and over again. You will read in the following chapter advertisement are repeated in hope that you will go out and buy what is advertised. और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो हम लोग क्या कर सकें हम लोग उसके उस एडवर्टाइजमेंट से क्या हो सके इंटरेस्टेड हों और फिर हम क्या कर सकें मार्केट जब मार्केट जाएँ तो हम उसे क्या करें परचेस करें। ओके दैट्स That's all for today.